This is Brand Max Network India and you are watching News India Now. जलंधर के रैनिक बाजार में स्थित विनायक ट्रेंड्स के मालिक ने थाना 4 के SHO सुखदेव सिंह पर दुर्व्यवहार करने की लिखित शिकायत जलंधर के पुलिस कमिश्नर को दी है। विनायक ट्रेंड्स के मालिक ने बताया कि आज सुबह करीब 10:30 बजे SHO सुखदेव सिंह रैनिक बाजार के सभी दुकानदारों को दुकानों के आगे लगी डिस्प्ले डमी को दुकानों के अंदर करने के लिए कहा था, जिसके बाद सभी दुकानदारों ने डिस्प्ले डमी दुकानों के बाहर से उठा के अंदर कर ली थी। परंतु कुछ समय बीतने के बाद सभी दुकानदारों ने डिस्प्ले डमी अपनी अपनी दुकानों के बाहर निकाल कर लगा ली, जिसके बाद विनायक ट्रेंड्स के मालिक ने सभी दुकानदारों को डिस्प्ले बाहर लगते देख अपनी डिस्प्ले भी अपनी दुकान के बाहर लगा दी। विनायक ट्रेंड्स के मालिक ने बताया कि वक्त करीब 11:30 बजे SHO सुखदेव सिंह उनकी दुकान पर वापस आए और उनको व उनकी दुकान पर काम करने वाले लड़कों के साथ गाली गलौज करने लगे तथा दुकान के बाहर लगी डिस्प्ले डमी को उठाकर ले जाने की धमकी भी दे डाली। इतना ही नहीं, SHO सुखदेव सिंह ने झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी। वही विनायक ट्रेंड्स के मालिक का कहना है कि दुकानों के बाहर लगी डिस्प्ले डमी को उठा के ले जाने का अधिकार नगर निगम के अधिकारियों को है, न कि थाना में तैनात SHO को है। विनायक ट्रेंड्स के मालिक ने जलंधर पुलिस कमिश्नर के समक्ष पेश होकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 10:45 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਮੈਂ SHO ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਠੀਕ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.